जब मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, मंत्री की घोषणा हो जाती है मंत्रियों की, तो सारे मंत्री बन भाई बहन आते हैं, तब कोई विभाग दे रहा शिक्षा मंत्रालय मत देना। हालांकि ये भी कहते हैं, पर दिल्ली में जो है देता ही कोई, तो मुझे मालूम है कि मैंने तो कह रहे हैं पर एक्सपर्टाइज इतनी हो गई लंबे अरसे से, कई बार चार पांच बार तो मैं क्या शिक्षा मंत्री बन गए हैं जी, इतने भले आदमी हैं, ये इतने भले आदमी हैं कि अपना काम चला लेते हैं, शिक्षकों को भी छोटा बुरू रखते हैं, प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा आदमी जो सेम रखता हो वो ही चला सकता है। आपसे दुआ लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी नफरी आपकी है, डायलॉग अथॉरिटी के टीचर है, अब बताओ आप उनकी अलग प्रॉब्लम हमें लाओ, अपने जिले के नहीं लाओ, भर्ती होती जिले से भर्ती होती, जिले के अलावा चॉइस करता मैं बाहर में जाऊंगा जैसे मेरे को नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ही वो मांग करते भी मैं तो सीकर ही आऊँगा, मुझे जुनू जाना है, मुझे अलवर जाना है, जयपुर जाना है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि कई राज्यों में शिक्षा नीति बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, तीन चार राज्यों में सुना, मैंने कदाचित कहा है कि आजकल अपन ने अभी तो मैं कह रहा था कि तुम मांग के मांग थक जाओगे, मैं नहीं समझूंगा, अब मैंने कह दिया है आचार्य जल्दी लागू होने वाली है, तो मैंने कहा अब ये मांगना बंद करो, अब आप पूरी लिख के दोगे, हम आपको जो कहते हैं मैंने राष्ट्रीय मंत्री की 10 गारंटी मुख्यमंत्री के साइन से 10 गारंटी मिली है, क्रांतिकारी काम होंगी हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आप देखिए राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने, आप तो टीचर से समझ सकते हो, ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये घटना है, इतने आर्टिकल आए दिन भर के अंदर, हमारे जो एक्ट बने हैं राइट टू हेल्थ हो, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हो, गिग वर्कर्स एक्ट हो, नया कॉन्सेप्ट आया है 10-20 साल के अंदर, उबर ओला और जो जोमेटो वगैरह आए हैं, लाखों लोग उसमें लग गए बेचारे, इन चीज़ों को भी आप नहीं करें, अब वो पी एस में दायरी कितनी बढ़ी आप लोगों ने, उनके लिए ऑफिस कहाँ लाएंगे, तो उनके लिए अपने कानून बना दिया है, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हैं या राष्ट्रीय कंपनी हैं उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उनको, और गिग वर्कर एक्ट का इतनी तारीफ हुई है